यस बेटे, आपां पहला सारे वार्तक दे लेखक जिहड़े ने दोनों उन्हां दे जन्म बारे, उन्हां दे जन्म स्थान बारे, लेखक दे बारे कर लईए। उस तो बाद आपां करांगे बोली वार्तक लई। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी का लेख है बोली। कहानी है कुल्फी सुजान सिंह दी। सुजान सिंह देन इकांगी है जफरनामा। जफरनामा डॉक्टर हरचरण सिंह। ठीक है बच्चे, इन्हां दे बारे आपां इकांगी है डॉक्टर हरचरण सिंह। हुण इन्हां दे बारे आपां 4-5 क्वेश्चन कर लईए। पहलां सब तो पहलां करदे हां प्रिंसीपल तेजा सिंह दा लेख है। किहड़ा लेख बेटे पढ़िया तुसीं? घर दा प्यार। जन्म होया 1894। जन्म 1894। स्थान है अडियाला, पिंड अडियाला। जिला अडियाला किथे है? रावलपिंडी, पाकिस्तान। ये सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस कर लो काफी है। पाकिस्तान। पिता का नाम सरदार भुलाकर सिंह। ठीक है, भुलाकर सिंह। और इस तो इलावा इन्हों दे बारे की करना, इन्हों की जीवनी केड़ी है जिदे करके प्रसिद्धि हुई है? आरसी, स्वै जीवनी। स्वै जीवनी आरसी, स्वै जीवनी आरसी। ठीक है बच्चे, इन्होंने वार्तक लेखक के तौर पर प्रसिद्ध हुए ने। बहुत सारिया रचनावां इन्होंने पंजाबी साहित्य नूं दित्तियां ने। इन्हों 1951 पैप्सू सरकार ने सन्मानित किया। पैप्सू और इन्हों की निवेकली पछाण किस करके हुई? निवेकली पछाण वार्तककार करके। वार्तककार, जे क्वेश्चन आ जाए निवेकली पछाण किदे करके हुई है? वार्तककार करके। और इन्हों का देहांत होया 1958 विच। 1958 विच देहांत। हुण आपां गल करिए इस तो इलावा तुसी लेखक दे बारे एक बारी रीडिंग कर लेना। हुण आपां गल करिए बोली वार्तक लेख गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। जन्म होया 26 अप्रैल। 26 अप्रैल इस तो अगला ईयर 1894 1895। मैं तुहानू इस तरह ही कराया सी, प्रिंसीपल तेजा सिंह 1894, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी 1895। ये भी कित्थे होया? सियालकोट पाकिस्तान। सियालकोट जन्म कित्थे होया? पाकिस्तान। ठीक है बच्चे, सियालकोट पाकिस्तान। रुड़की तो इंजीनियरिंग दी डिग्री हासिल कीती है। उस तो बाद पिता का नाम की है? पिशोरा सिंह। पिता का नाम पिशोरा सिंह। और इन्होंने एक प्रीत लड़ी पत्र, मासिक पत्र कढ़ना शुरू किया, जिस करके इन्हों के नाम नाल प्रीत नगर भी वसाया गया। प्रीत नगर किसने वसाया? गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी दे। प्रीत लड़ी मासिक पत्र कढ़न करके वसाया गया। इससे वार्तक लेखा से कादा प्रभाव है? ज्यादा पछमी जीवन जाच का चोखा प्रभाव होने करके इन्होंने उहदे विचों जीवन दीआं समस्यावां कढ़ियां ने। बहुत सारे नावल, नाटक, कहानियां लिखे ने। नावल भी लिखे इन्होंने, पर इन्हां दी भी प्रसिद्धि वार्तक लेखक दे तौर ते होई है। उहदे विचों चंगेरी, दुनिया है, जिंदगी दी कविता, मेरियां भुल जादा, दुनिया इक महल, प्रीत मारग आदि शामिल ने। ठीक है, क्लीयर है बेटे? उस तो बाद गल करिए आपां, नेक्स्ट है सुजान सिंह की कहानी। सुजान सिंह की केड़ी कहानी पढ़ी आप? केड़ी कहानी? कुल्फी कहानी। सुजान सिंह लेखक बारे भी कल टेबल बना के लिख लो बेटे। तुसी सुजान सिंह का जन्म होया 1909। एक बार फिर रिवाइज करा दांगी। 1909 किथे होया जन्म? किथे होया बेटे? इन्हों का भी जन्म होया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान विच जन्म होया। पिता का नाम है हकीम सिंह। पिता का नाम हकीम सिंह। सुजान सिंह लेखक, पिता का नाम है हकीम सिंह, माता का नाम श्रीमती जमुना देवी। इन्हां दा विद्यक दे खेतर दे विच बहुत वड्डे मुकाम हासिल किए हैं। प्रगतिवादी कहानीकार। क्यों जा कहानीकार है? प्रगतिवादी, जिहड़ा कि प्रगति लियाना चाहुंदा है।
और इसकी प्रसिद्ध रचना हुई है शहर ते ग्रां, जिसनों पुरस्कार मिलिया, सम्मानित किया गया। शहर शहर ते ग्रां साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलिया है। यदा जन्म स्थान एक बार कन्फर्म कर लेना अपनी बुक दे विचो बेटे, जन्म स्थान क्लियर है बेटे। और नेक्स्ट है कुल्फी यस जन्म स्थान बेटे यदा गुरदासपुर, जन्म स्थान है डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर पाकिस्तान नहीं है, जिला गुरदासपुर पाकिस्तान च इन्हों का है शेखुपुरा। डॉक्टर हरचरण सिंह जिन्होंने एकांगी लिखा, केड़ा एकांगी लिखा, जफरनामा। ये सीगा कि डॉक्टर हरचरण सिंह का जन्म होया शेखुपुरा 10 दिसंबर 1914, 10 दिसंबर ये तुम्हें पेपर च भी आया सी 1914, चक नंबर 576, चक नंबर 576 शेखुपुरा, जो कि अजकल पाकिस्तान विच है। क्लियर है बेटे, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है एकांगी दे नाल रिलेटेड क्वेश्चंस, जफरनामा एकांगी दे विच पिता का नाम है कृपा सिंह, लेखक दे नाल पिता का नाम कृपा सिंह, माता का नाम रखो जी, रखी जी। इधर जमुना देवी है, उन्होंने दोनों के माता के नाम नहीं मैनशन किए हुए। इधर माता का नाम है जमुना देवी, इधर है माता रखी जी, माता रखी जी कि माता जी डॉक्टर हरचरण सिंह दे, डॉक्टर हरचरण सिंह। इन्होंने दो विषयों के एम ए पास की, फिर पी एच डी की डिग्री भी हासिल की। दो कि विषय, इंग्लिश की भी एम ए की, पंजाबी की भी एम ए की है इन्होंने। ये पंजाबी विभाग के मुखी से प्रोफेसर भी रहे ने। और इन्हों की जड़ी रचना है जिसनों साहित्य अकादमी का अवार्ड मिले, तुसी ऑलरेडी किया हो, कल अज ते पलक, कल अज ते पलक। क्लीयर है बेटे, 10 दिसंबर 1914 का जन्म है। चक नंबर स्थान की है बेटे, चक नंबर, चक का मतलब होंगे, अच्छा चक एक बहुअर्थक शब्द है, चक चक एक संद होंगे जिदे ते घुम्यार मिट्टी के भांडे बनाता, नाल ही बहुत अर्थक शब्द कर लो। चक एक पिंड है, पुराने समय में जिमें अजकल सैक्टर इलाकों में साढ़े शहर वंडे हुए ना गली मुहल्ले ने, उदो चक पिंड नू कहिंदे सन। चक की है पिंड, जिमें शेखुपुरा विच इन्हां दा चक नंबर 576 विच जन्म होया। एक चक का मतलब होंगे चकना, कि इतों सारा समान चक लो, ठीक है क्लीयर है बेटे। चक चक एक पिंड हो गया, चक एक संद हो गया, एक चक मीन चकना, बोअर्थक शब्द भी हो गया। इस तो बाद आप बोअर्थक शब्द भी करने हैं। इन्हों का जन्म कितने हुए हैं, शेखुपुरा पाकिस्तान, पिता का नाम कृपा सिंह। एक बार सारे पिता का नाम लर्न कर लिए, प्रिंसीपल तेजा सिंह के पिता कौन है, भुलाकर सिंह, गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी के पिता कौन है, पिशोरा सिंह, सुजान सिंह के पिता कौन है, हकीम सिंह, और डॉक्टर हरचरण सिंह जी है कृपा सिंह। और चार ही लेखक ने, बाकी तो दो कविताएं हैं, वो तो तुम्हें पता है गुरु नानक देव जी ते गुरु अमरदास जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी ते गुरु अमरदास जी दीयां रचनावां तुसी ऑलरेडी अच्छी तरह कीतियां ने। सोके मंदा के गुरु नानक देव जी की आसा दी वार चो है, और कृपा करके बख्श लियो किदे चो है बेटे, किदे चो है, श्लोक वारा तो वधीक, ठीक है। एक स्त्री की मानता है, दूसरे च नाम की बख्शिश की दात मंगी, वह तो तुम ऑलरेडी कर लोगे। हूँ आप गल करिए बोली वार्तक लेप, जो तुम क्या है कि असी बोली वार्तक लेप पहला अच्छी तरह करना है, ध्यान नाल सुनियो। हूँ पैरा वाइज बोली वार्तक लेख, मूँह मनुख के शरीर का चित्र है, मूँह की है मनुख के शरीर का चित्र। वन मार्क क्वेश्चन ही नोट करने हैं तुम, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन ही आने हैं, वह भी ऑप्शन सही ऑप्शन चूज करनी है। और कल तो ओ एम आर शीट दोबारा सेंड की सी कि जे तुसी क्वेश्चन दे सर्कल कर देंदे हो ते उधर तुसी उस नू भी सर्कल कर देंदे हो, जिदे विच तुसी करना हुंदा कि जिहड़ा क्वेश्चन तुसी अटैम्प्ट नहीं किया तो तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन का आंसर सही सर्कल किया ना वो कंसिडर नहीं होना। जे तुसी दो पासे सर्कल कर देंदे हो मीनस रिस्पोंस लिखना जरूरी है, जिहड़ा रिस्पोंस लिखना उहदा डार्कन सर्कल करना, जिहड़ा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना उहदा राइट साइड बॉक्स तो बाद एक सर्कल है उहदे च वी सीक्वेंस उवें ही लिखा होया
वन टू थ्री उन्हों सर्कल करना। पर हाँ जे तुसी इधर क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया तो उधर भी सर्कल करता तो नोट अटैम्प्ट कंसिडर होना। इस गल का ओएमआर शीट का जो मैं तुम पैटर्न भेजा दोनों बारी एक बार चंगी तरह फॉलो कर लेना। ठीक है, समझ आ गई बच्चे? जो फिर भी कोई डाउट हुआ तो मैं तुम्हें दोबारा समझा देंगी। मनुख के शरीर का चित्र की है? मूह। उत्थे ऑप्शन आ जाती है, मूह है, सिर है, पैर है, आत्मा है। मनुख के शरीर का चित्र मूह है, जिससे वह की पता चलता शरीर के सुहापन का। मूह जिहड़ा चित्र है उत्थे की पता चलता शरीर के सुहापन का जां कोझेपने का। कोझापन भी है कि कोई इंसान करूप है कि सोहना है। बोली की है? आत्मा का चित्र। बोली की है? आत्मा का चित्र। आत्मा का चित्र की है? बोली है। इतों की पता चलता है? आत्मा दे वधिया जा कटिया होना पता चलता है। अनबोलिया मनुख किवें होंदा? बूहे बंद मकान की तरह। अगला क्वेश्चन मैं बड़े पैरा वाइज समझा रही हूँ। अनबोलिया मनुख किवें होंदा है? बूहे बंद मकान की तरह। बोलिया जिवें बोलिया मनुख किवें होंदा है? जिवें बूहे खोल दिते जान ते सारी अंदर दी झाती पै जांदी है। क्लियर है बेटे? सब तो सियाने ते दिलचस्प मनुख केड़े मन्ने गए हैं? अन्ने मनुख मन्ने गए हैं। गूंगा कोई मिरला ही सियाणा हुंदा क्योंकि गूंगा बेचारा तो बोलिया ही नहीं जा सकता। गूंगा किवें दसेगा अपने अंदरले विचार? मनुख की अमीरी का मेचा किस तो लाया जा सकता? बोली तो ला सकते हैं। मनुख की अमीरी का मेचा किस तो लगाया जा सकता बेटे? बोली तो। कि मनुख ने जो बोलता है तो उसने अपनी शख्सियत को किवें बनाया? उसकी शख्सियत कितनी को इंप्रेसिव है। जेकर तुहाडे अंदर बहुत कुछ है ना, बहुत अच्छा बोलते हो तो तुहाडी बोली किहदे नाल कंपेयर की है? फुल्लां फलां लद्दे ते महकदी पौण वांग है। जिसके अंदर बोली अजिही है जिहड़ी कि उसी आत्मा दे नूं वधिया बनांदी है। किस वांग है? महकदी पौण वांग। फुल्लां ते फलां लद्दे बागीचे विच्चों महकदी पौण वांग है। क्लीयर है बेटे? पर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसकी बोली क्यों जी है? रेगिस्तान विच तपदी हुई पौण वर्गी। ठीक है, किसकी बोली रेगिस्तान विच तपदी पौण वर्गी? जो क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर बहुता कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्लीयर? अगे बोली तदे ही असली अमीरी का मेचा मनी जा सकती है जेकर वह बोली जिंदगी विच्चों अपने लफज चुनती है। केड़ी बोली अमीरी का मेचा मनी जाती है? जड़ी जिंदगी विचों की चुनती है? लफज। क्लीयर? जिंदगी चो की चुने जाते हैं? लफज। हर एक लफज कि हिस्सा है? तजर्बे का। हर तजर्बा किसका हिस्सा है? अकल का। यह वन मार्क क्वेश्चन नोट करो। तजर्बा किसका हिस्सा है? अकल का, बोली का, लफजा का। कि लिखांगे? अकल का। ठीक है, लफज किसका हिस्सा है? तजर्बे का। ते अकल की है? जिंदगी का असली सोना। हुण क्वेश्चन आ जांदा जिंदगी का असली सोना की है? अकल। टेबल बना के लिखो ए, जिंदगी का असल सोना की है? अकल। ये क्वेश्चन आ जांदा तजर्बा है, बोली है, लफ्ज है, अकल है। अकल है बेटे, समझ रहे हो लैसन? हुण टेबल बना के लिख लो, जिंदगी का असली सोना अकल है। लफज किसका हिस्सा है? तजर्बे का। तजर्बा किसका हिस्सा है? बोलो बेटे, अकल का। अकल की है? जिंदगी का असली सोना। समझ आ गई इथों तक? बोली का खजाना असी कितों जोड़ना शुरू कर देंगे हाँ बचपन विचों। अगला पैरा, बचपन विचों असी केड़ा खजाना जुड़ना साड़ा शुरू हो जाता? बोली का। उत्थे नहीं आना लफ्जा का, अकल का, तजर्बे का। इस तरह दी ऑप्शन आएगी तो बोली का खजाना असी बचपन दे चौगिरदे। चौगिरदा मीनस आला दुआला। बचपन विच मन उत्ते चित्रे हुए केड़ी चीज कदे नहीं भुलदी? लफज कदे नहीं भुलदे। जिहड़े मन ते उकरे जांदे आ, उकरा वर्ड भी आ सकदा है। चित्रे जां उकरे दा मीनिंग सेम है। ठीक है, क्लियर है? मन ते उकरे हुए लफज कदों नहीं भुलदे? कदी भी नहीं भुलदे। इह कदा काम करदे ने? मोहर वांग काम करदे हन। मन ते उकरे हुए बोल किस तरह, लफज किस तरह काम करते हैं? मोरां की तरह काम करते हैं। मोरां की थां वाली, मोरां की खाण वाली थां कि है? बचपन की थां। बचपन की थां है। एक एक मोर असी निक्के निक्के सिक्कियां विच वटांदे हां ते उन्हां सिक्कियां नूं
मंडी विच चलांदे आ जिंदगी दी मंडी विच जिथे साडा बचपन बीते ओ केड़ी खान है मोरां दी खान है। ठीक है, ये खान पहला साडी अमीरी दा निर्भर इस खान उत्ते निर्भर करदा है। ठीक है, इस खान दे विचों ही कोई कोई माला माल हो सकता है जेकर उसकी बोली की है। बहुत वधिया, बोली का खजाना बचपन विच असीं अपने चुगिरदे विच जोड़ना शुरू कर दिंदे आ। बचपन साडा मोरां दी खान है जिथे असीं जेड़े लफज असीं एक बार अपने मन विच उकर लैंदे आ उह कदी नहीं भुलदे। इत्थों तक क्लीयर है बेटे प्रिंसी? यस बेटे, इत्थों तक क्लीयर है सब नूं? हाँ जी बच्चे, ओके। बच्चियां दी दुनिया विच अमीरी दा वादा कायम रखना किदा फर्ज है? किदा फर्ज है? साथियां दा, स्कूल दा, अध्यापकां दा ते वड्डियां दा। वड्डियां दा फर्ज है। वड्डियां दा पहला धर्म की है? बच्चियां दी दुनिया विच अमीरी दा वादा करना। अमीरी दा वादा किवें होएगा? जेकर बच्चियां दी देख रेख होएगी, बच्चियां दा ध्यान रख्या जाएगा। जेड़े वड्डे बच्चियां दी दुनिया वल ध्यान नहीं रखदे उन्हां नूं जिक्र पलदे पली जान, कोई ध्यान नहीं दिंदे उन्हां नूं, जिद्दां रुली जान उन्हां दी दुनिया आने वाले समय विच दिन ब दिन कंगाल हुंदी जांदी है। हुण क्वेश्चन बनेगा किन्हां दी दुनिया कंगाल हुंदी है? किन्हां दी दुनिया बेटे कंगाल हुंदी है? जिहड़े बच्चियां दी दुनिया वल ध्यान नहीं दिंदे। सब तो वड्डा धर्म की है वड्डियां दा? बच्चियां दी दुनिया वल ध्यान देना। क्लियर? नेक्स्ट, सोने दे किनके लब लब पूंछ पूंछ अपनियां पेटियां विच सामने जिवें जरूरी हुंदे ने ना, उसे तरह ही अपनी जिहड़ी बोली दे जिहड़े लफ्ज़ ने सानू सामने जरूरी हुंदे ने। जिन्नी बहुती साडी लब होएगी उन्नी बोली साडी अमीर बनेगी। कि असीं लभदे की हाँ, वह लभना कित्थों है? अपने चुगिरदे विचों। ठीक है, जिस तरह भरपूर खान विचों सियानी पुटाई की दौलत की हुंदी? पुट सकदे आपां सियानी पुलाई। खाना, खाना की होंगे? सोने दियां खाना, लोहे दियां खाना, धातां जिथे निकलदियां ने। ठीक है, इसे तरह अमीर बोली ओही गिनी जाएगी, बोली साफ सुथरी ओही है जिहड़ी कि चुन चुन के जिंदगी चो वधिया लफज चुनदी है, ताही उस अमीरी का मेचा लग सकता है जिंदगी च। साडी बोली साडे बचपन की बोली है। साडी बोली केड़ी बोली है? बचपन की बोली। किदे कोलों सीखी है? अपनी मां कोलों। ये साडी केड़ी बोली है? साडी मां बोली है। उहदे विच आ जाएगा मां बोली, राज बोली, ठीक है, राष्ट्रीय बोली, अंतरराष्ट्रीय बोली। बचपन की बोली केड़ी बोली होएगी? मां बोली। केड़ी बोली है बेटे? मां बोली। वह शख्स जिन्हां नूं वड्डियां होके बचपन की बोली नालों वक्री बोली अपनानी पै गई है वह बदकिस्मत लोग हैं, जिन्हां ने यह जी बोली नूं अगे जाके ठुकरा दिता है। ठीक है, वह इंसान है जिहड़ा जिंदगी विच तजर्बेकार नहीं है, जिहड़े कि वक्री बोली अपना लैंदे ने, वह बेभागे लोग हैं। उन्हां लई लेखक ने किहड़ा वर्ड यूज किया? बेभागे लोग। किहड़े लोग ने उह? बेभागे लोग किहड़े हुंदे ने? जिहड़े कि अपनी मां बोली नूं त्याग के, बचपन दी बोली नूं छड्ड के अपनी कोई वक्री बोली अगे जाके जिंदगी च अपना लैंदे हन, वह बड़े बदकिस्मत लोग हैं। ठीक है, सिर्फ बचपन दी बोली दी मोहर ला के ही कोई अपनी अंदरली दौलत, अंदर दी दौलत नूं अखीरले निक्के तो निक्के सिक्के तक वरत सकदा है। केड़ी बोली नूं? बचपन दी बोली नूं मोहर लगा के। ये भी कुछ नोट कर लो, केड़ी बोली नूं अखीरी अखीरले समय तक निक्के तो निक्के सिक्के वांग वरत्या जा सकता है? अपनी बचपन दी बोली नूं। क्लियर है बेटा? हुण अगला स्टेप है साडा तजर्बा। तजर्बा साडी दौलत है, तजर्बा साडी दौलत। तजर्बा किसका हिस्सा? हुणे आपां लास्ट पैरे च पढ़िया, किसका हिस्सा कौन दसेगा? तजर्बा किसका हिस्सा है? हुणे करवाया बेटे? हाँ जी बच्चे बोलो। हाँ प्रिंसी, किसका हिस्सा तजर्बा? ममकल दा। वेरी गुड। ठीक है, ते तजर्बे दा हिस्सा कौन ने सब तो पहला करवाया? यस, तजर्बे दा हिस्सा कौन हन बोलो बच्चे? तजर्बे दा हिस्सा कौन ने बेटे? लफज। लफज, लफज तजर्बे दा हिस्सा, तजर्बा अकल दा हिस्सा, ते अकल जिंदगी दी
असली सोना। ठीक है, तजर्बा साड़ी इस करके दौलत है, ये दौलत बचपन के समय बोली के चिन्हों में सांभी गई है। जिहड़ी तजर्बा साड़ी दौलत है कित्थे सांभी गई है, बचपन की जिहड़ी साड़ी बोली है उहदे चिन्हों में सांभी गई है। भी नोट कर लो, क्वेश्चन क्लीयर है बेटे? उसे बोली की सूई ये उत्ते फेरिया होया ग्रामोफोन के रिकॉर्ड वाग बज सकती है, ताते बोली नालों वधेरे ध्यान मंगन वाली कोई होर जिंदगी की दौलत ही नहीं। बोली सब तो ज्यादा ध्यान है, सब तो ज्यादा ध्यान इंसान कि केंद्रित करते हैं इंसान की बोली ते। बोली एक खजाना है, खजाना जिहड़ा कि बचपन में असं अपने चुगिरदे विचों जोड़ना शुरू कर देंगे। तजर्बा, तजर्बा भी इस दौलत का खजाना है। केड़ी दौलत का खजाना है? तजर्बा, जिहड़ी बोली असं बचपन में सांभी हुई है, जिहदे विच तजर्बा सांभिया होया है। शब्द इहदे निक्के ते सिक्के ते नोट हैं। शब्द किसे सिक्के ते नोट हैं? शब्द लफज आपां हुणे तां कीता, किसे सिक्के ते नोट ने? तजर्बे दे। ठीक है, तजर्बे दे सिक्के ते नोट कौन हैं? लफज शब्द जिन्हां नूं असीं रोजाना जिंदगी दी मंडी विच चलांदे हाँ। किन्हां नूं चलांदे हाँ? शब्दां रूपी सिक्के ते नोटां नूं, लफ्ज़ां रूपी सिक्के ते नोटां नूं असीं जिंदगी दे विच मंडी विच चलांदे हाँ। जिंदगी दी दौलत बिना की नकारे हन? शब्द नकारे हन। ते जिंदगी दी दौलत की है? साडी बोली। ठीक है, जिंदगी दी दौलत की है? साडी बोली, साडा तजर्बा। ठीक है, पर जिंदगी दा असली सोना की है? साडी अकल। शब्दां बिना ये दौलत अनवरती है, जिन्हों कदे वरतिया ही नहीं है। क्लीयर है बेटे? नैक्सट, नैक्सट है बेटे, जवानी ते बुढ़ापे नालों सब तो कीमती समा साडा बचपन है। जवानी ते बुढ़ापे नालों साडा कीमती समा किहड़ा है? बचपन दा विच। इहदे विच जिन्नियां मोहरां कट्ठियां कीतियां जाण, किहड़ियां मोहरां कट्ठियां करनियां? लफ्ज़ां दीआं। उहनां नूं अपना अपना के असीं जवानी ते बुढ़ापे विच औखा जां सौखा समा झट लंघांदे हां। मीनस जिंदगी दे आखरी पड़ाव तक उहनां नूं चलांदे हां, उहनां नूं वरतदे हां। निक्के तो निक्के सिक्के तक असीं वरत सकदे हां, जिन्हां नूं असीं इकट्ठा कित्थे कीता? बचपन विच। लफज़ सोने दा एक निक्का जिहा तिनका हुंदा है। लफज़ की हुंदा है? सोने दा एक निक्का जिहा तिनका। इहदी बनावट गहने की कढ़ाई वांग हुंदी, जिवें गहनियां की कढ़ाई कीती जांदी है, गहने कढ़ाए जांदे ने, बनाए जांदे ने, उहनां नूं पॉलिश किया जांदा है। इसे तरह लफ्ज़ां नूं घड़िया जांदा है, फिर उहनां नूं लिशकाया जांदा है, फिर उहनूं जिंदगी की मंडी विच चलाया जांदा है। ठीक है बेटे, क्लीयर? कईयां दे लफ्ज़ जिहड़े कोझे हुंदे ने, कोझे कड़े हुंदे ने, उहनां दे कोझे लफ्ज़ां दा कोई मुल पैंदा है? उह तां सोने वे नूं, अजे सोने नूं तां कोई पित्तल दे भाव ही नहीं खरीददा। जिहनूं पित्तल दे भाव नहीं खरीददा, जिन्हां दे लफ्ज़ कोझे ने, मीनस भावें उह देखण नूं सोना रूपी लगदे ने पर लफ्ज़ कोझे ने। उहनां दी कढ़ाई है जिहड़ी, उह लफ्ज़ां दी कढ़ाई है जिहड़ी, कुझ तां नाल होई है, लफ्ज़ कुरखत ने, उह तां पित्तल दे भाव ही कोई खरीददा नहीं। क्लीयर है? दुनिया के लोग, अनेक लोग कहते हैं कि असी अपनी जिंदगी का मुल नहीं पवा सकते क्योंकि उन्होंने अपने लफ्ज़ों वाल ध्यान। किहड़े लोग अपनी जिंदगी का मुल नहीं पवा सकते? जिन्होंने अपने लफ्ज़ों वाल कभी ध्यान नहीं दिता होंदा, उन्होंने जिन्होंने बोल तो सोहने होंदे ने, चिट्टे होंदे ने, चुभदे ने, दूजे नूं टीज करदे आ, कौड़े होंदे ने। क्लीयर है? वह बेकीमत, वह बेकीमत अपनी लफ्ज़ों अपनी जिंदगी बनाई रखते हैं, उन्हां दी जिंदगी का कोई मुल नहीं पैंदा, वह बेकीमत है जिंदगी। बोली ना सिर्फ कामयाबी की कुंजी है, कुंजी भी चाबी है, यह जिंदगी के हुसना ते सुहादा का जादू है। एक क्वेश्चन तुहानूं पेपर च आया सी कि हुसना ते सुहादा का जादू की है। बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, 50% बच्चों ने उत्थे आया कि बोली राष्ट्रीय बोली की है आना सी, बोली जां विरासत जां तजर्बा की आना सी। बेटे बोली जिंदगी दे हुसना दा ते स्वादां दा जादू है। कीप इट इन माइंड बेटे, ये साढ़े अनहोने सुपनियां नूं लकीरां घेरियां विच चित्र के असलियत दा रूप दिंदी है। केड़ी चीज है जिहड़ी साढ़े सुपनियां नूं लकीरां ते घेरियां विच चित्र के असलियत दा रूप दिंदी है? वी क्वेश्चन बन गया अगे, केड़ी चीज? बोली। क्लीयर है बेटे? वह साढ़े जिगरी प्यारां दी कासद है, साडियां पुगियां ते अनपुगियां रिझां दी फिल्म है, यह भी बोली है। हुणे पैरे नूं ध्यान नाल कर लियो, ये सारिआं दा साधन की है? बोली है।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਗੀਆਂ ਅਣਪੁੱਗੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਦਾਸ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਟੇ? ਬੋਲੀ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਸਕਰੀ ਮਖੌਲ ਸਹਾਰੇ। ਕਿਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸਚਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੀਨਸ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋਣ, ਗਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਗਊਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਵਨ ਮਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਟੱਪੋ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਰੰਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਤਲੀ ਤਿਤਲੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਟੱਪਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਤਲੀ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਤਿਤਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤਜਰਬ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੌਣ ਹਨ? ਲਫ਼ਜ਼। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਤਜਰਬੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ? ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਹੰਝੂ ਹਾਸੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਮੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਣ ਛਣ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣਾ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਦੌਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਦਿ ਅਮੁੱਲ ਦਾਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਬੇਟੇ? ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਚ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਡ ਹੈ ਘੱਗਾ ਭਾਗ ਚ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਗਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਪ ਕੀਤਾ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੇ ਲੇਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਤੰਨਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ, ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨ ਢਾਂਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚੱਕ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 576 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਵੱਢਣਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ ਬੇਟੇ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਥੋਰੋਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਔਰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਦੈਨ ਚੈਪਟਰ। ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੇਟੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਹੈਲਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।